कटनी सड़क की जर्जर सड़क हादसों को दावत दे रही है। कहीं गड्ढे तो कहीं सड़क पर बिखरी गिट्टियां लोगों के लिए आफत बन गई हैं। हालांकि रहवासियों की शिकायत के बाद नगर निगम ने कुछ जगह सड़क की मरम्मत तो कराई, लेकिन यह सिर्फ रस्म अदायगी की तरह रही, क्योंकि जानलेवा गड्ढों से भरी गई गिट्टियां और डस्ट सड़कों पर फैल गई है। जानकारी के मुताबिक गर्ग चौराहे से लेकर घंटाघर, जगन्नाथ चौराहा, बस स्टैंड और पन्ना मोड़ तक के गड्ढों को भरा गया, लेकिन वो महज औपचारिकता थी। लेकिन अब सड़कों पर फैली गिट्टी और डस्ट से लोगों को निकलना मुश्किल हो रहा है। जालपा मंदिर के पास सड़कों की गिट्टियां नवरात्रि में भक्तों के लिए समस्या पैदा करेंगी। वहीं निगम आयुक्त का कहना है कि सड़क का चौड़ीकरण होना है और सीवर लाइन डलना है, इसलिए नई सड़क नहीं बन पा रही है। प्रारंभ हो रही है, आपके क्षेत्र से भक्तगण निकलेंगे, आप लोग क्या मंदिर आपके पास में है क्या क्या है? नवरात्रि का मामला कोई अलग मामला है, यानी कि ये गली बस्ती है, यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता। और हम लोग देवता गर्दा से जर्जर है ही है, क्योंकि 7 साल बरसात के पानी से बहुत परेशान है। इसमें बीमारी भी धूल दस्त से लोगों को बच्चों को फैलती होगी, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दिन गाड़ी के चक्कर उठते रहते निकलते रहते हैं, जाम की स्थिति भी लगी रहती, जाम की स्थिति बराबर बनी रहती है। क्या इसमें क्या इसको आप कर रहे हैं, किसको बात करने को आ रहे हैं, कौन दो चीज से पाए जाए? ये टेम्परेरी व्यवस्था नगर निगम ने गड्ढों की भरने की बारिश के सीजन में की थी, और टेम्परेरी व्यवस्था नॉर्मली खराब हो ही जाती है। अभी फिर से उसको नौजुर्गों को देखते हुए जालपा मंदिर के आसपास में भी और अपना गर्ग चौराहे से लेके घंटाघर और शहर में जितने भी देवियों के स्थान हैं, जो भी विसर्जन घाट हैं, जो भी मुख्य रोड है, उन सबको गड्ढे भरने का काम हमने प्रारंभ कर दिया है और इसकी शुरुआत हो गई है। आपने देखा होगा सर, आप भी अभी आ रहे हैं उसी रोड से आ रहे हैं, तो जिस तरह से धूल और डस्ट के चलते पीछे गाड़ी के पीछे जो चलने वाले व्यक्ति हैं, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसके लिए पानी का भी छिड़काव बहुत कम हो रहा है सर। अभी क्योंकि बारिश के जस्ट ख़त्म हुआ है, तो यहाँ पर भी सीवेज नेटवर्क का हमारा पता है, उन्होंने रीफिलिंग की है, लेकिन कई जगह पर बारिश में फिर से वो जगह खराब हो गई है, तो कहीं कहीं पर डस्ट है, उसका भी प्रबंध हम लोग कंपनी के माध्यम से या नगर निगम जो भी उपलब्ध हो उसके माध्यम से कराएंगे।